सो हे व्यूअर, दिस इज तरुण सैनी एंड वेलकम अगेन टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट साइट डिजाइन के बारे में है कि किस तरीके से आप पार्किंग एरिया डिफाइन करते हैं, किस तरीके से आप बिल्डिंग के या कॉम्प्लेक्स के बाहर लॉन कहाँ आना चाहिए, किस तरीके से रोड नेटवर्क होता है, पार्किंग कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्लांटिंग किस तरीके से करते हैं और आप जब साइट बनाते हैं तो कंट्यूरिंग कैसे आएगा, उन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ये वीडियो सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। इसी के साथ करते हैं वीडियो स्टार्ट। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास ये बिल्डिंग रेडी है। इस बिल्डिंग के बाहर हमें कंप्लीट साइट डिजाइन करना है। तो किस तरीके से आप साइट डिजाइन कर सकते हो, जब भी आप साइट डिजाइन करते हैं आपको साइट पर जाना है, फ्लोर प्लान्स में साइट के ऑप्शन पे जाना है। जहां पर आपका बिल्डिंग है उस एरिया में हम साइट बनाएंगे। देखिए किस तरीके से मासिंग एंड साइट पे आपको जाना है और टॉपो सरफेस पे ये आपको चेक कर लेना है जब भी आप वर्क करें कि आप किस लेवल पे हैं, किस लेवल पे आपने वर्क किया। तो हमारा क्या है, ग्राउंड फ्लोर लेवल हमारा 00 पे है। अब अगेन चलते हैं हम हमारी साइट पर। अब साइट पर आने के बाद हमें क्या करना है, टॉपो सरफेस पे रहना है और यहाँ से हमें पॉइंट्स जनरेट करने हैं। टॉपो सरफेस पे पॉइंट जनरेट करने के कुछ तरीके हैं। अगर आपके पास सर्वेयर से कोई डेटा आया है उसे अगर आपको इंपोर्ट करवाना है तो आप यहाँ से फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली आपका सर्फेस क्रिएट हो जाएगा। जो भी हमारे पास टोटल स्टेशन की रीडिंग्स आई है, सर्वे पॉइंट आए हैं, उनकी हेल्प से एक्यूरेट सर्फेस जो रियल है हमारी साइट पर, वैसा सरफेस यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। फिर बिल्डिंग पैड बना के आप वर्क कर सकते हो। बट हमें खुद से बनाना है तो प्लेस पॉइंट पे हम जाते हैं और यहाँ से एलिवेशन हम रखते हैं इसे 0। यहाँ से हमने एलिवेशन रखा 0 इस तरीके से। सेम ऐसे ही मुझे यहाँ चाहिए। देन मुझे यहाँ पर पूरा एक सेक्टर डिज़ाइन करना है हमारे कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ। ये पोर्शन मेरा इस तरीके से कुछ रहे। आगे जाकर इस पॉइंट पर क्या है, हमारी हाइट इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर मैंने किया 4 फीट का हाइट। इस तरफ मेरा हिल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर मैंने किया फिर इसको देन 7 फीट। पीछे की तरफ हमारा इस तरीके से हिल है तो ये पोर्शन हमने किया यहाँ पर। फिर हम यहाँ पे फिर से 0 पे आ गए तो ये पोर्शन इस तरीके से फ्लैट है। बाकी हमारा हिल एरिया है जो हमारे मॉल के पीछे की तरफ है। तो ऐसा सरफेस आपका ये जनरेट हो जाएगा। 3D में आप देखेंगे इस तरीके का कुछ सरफेस आ जाएगा आपका। अभी सरफेस बिल्कुल क्लीन दिख रहा है। हमें यहाँ पर क्या करना है, जो आपके कंट्यूरिंग पॉइंट आ रहे हैं आप वो देखना चाहते हैं, साइट पर ही रहिए और यहाँ पे कंट्यूरिंग पॉइंट को हम चेक कर सकते हैं किस तरीके से। पहले तो मैं कंट्यूरिंग का इंक्रीमेंटल एंगल इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ से मुझे चाहिए हर 300 mm का इंक्रीमेंटल एंगल हमें शो करे। यहाँ से हमने साइट पर किया, देन लेबल कंट्यूर पर जाइए और यहाँ से यहाँ एक स्केच बनाइए लाइन। ये आपको दिखाएगा कि आपका कंट्यूरिंग का लेवल क्या है। यहाँ पर 0 है, 300, 600, 900, 1200। तो इस तरीके से आपका कंट्यूर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको जब वर्क करना हो तो हमें क्या करना है, रोड नेटवर्क दिखाना है यहाँ पर। तो रोड नेटवर्क किस तरीके से हमारा, यहाँ पर हम सब रीजन की हेल्प से रोड नेटवर्क दिखा सकते हैं। तो सब रीजन टूल को हमने यूज किया, देन रोड नेटवर्क दिखाना है मुझे स्ट्रेट यहाँ से। और मेरा 4 लाइन रोड है, यहाँ से मेरा कितना विड्थ का है इस तरीके से 15 या 16 मीटर का हमारा रोड आ रहा है। रोड नेटवर्क में हमारा इस तरफ भी हमारा एक डाइवर्जन जा रहा है यहाँ पे 21 मीटर का जो कि 4 लाइन है। देन एक डाइवर्जन हमारा यहाँ पर जा रहा है तो इसको मैंने इस तरीके से दिखाया। देन जो भी आपका पोर्शन रहेगा उसे आपको क्लोज दिखाना पड़ेगा। आप क्लोज दिखा सकते हैं इस तरीके से ताकि वो ब्रेक लाइन के थ्रू लगे कि ये आपका पैक है। यहाँ से हमने सेम पोर्शन को कॉपी किया और यहाँ भी प्लेस कर सकते हो आप ब्रेक लाइन्स को। तो ये रोड को आपको दिखाएगा कि कंटिन्यूटी में आगे भी रोड है। तो इस तरीके से भी आप शो कर सकते हैं। देन इस तरफ भी हमारा कंटिन्यूटी का सिंबल हमें शो करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि जहां तक हम साइट बना रहे हैं उससे आगे अगर कुछ आ रहा है तो वो अब आगे हम कंटिन्यूटी का सिंबल लगाएंगे। ओके, ये हमारा हो गया पोर्शन। अब यहां से हम करते हैं इसे स्प्लिट। स्प्लिट टूल से मॉडिफाई में स्प्लिट टूल हमें मिलेगा। यहां से हम करते हैं फिलेट ताकि जो हमारा सरफेस जिस तरीके से राउंड होता है वो हमारा सरफेस यहां पर आ जाए।
ठीक है, ये हमारा इस तरीके से पोर्शन आ जाएगा। ये जो हमारा साइट है यहाँ पर हमें क्या करना है, डबल लेयर्स में दिखाना है रोड। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये मेरा लेयर है जो आपका रोड डबल आप दिखाएंगे, तो यहाँ पे आपने कटिंग किया, सेम ऐसे ही ये पोर्शन आपका आएगा कॉपी। हमें यहाँ पर डिवाइडर भी लगाना है, तो अब बेटर वे में इसे बनाएंगे, तो इस तरीके से हमने ये शो किया डिवाइडर लगाने के लिए। ओके, सेम ऐसे ही हम और पोर्शन लेते हैं यहाँ पर, इस तरफ भी हमारा इसी तरीके का पोर्शन आ रहा है, स्ट्रिप आ रही है हमारी, या वर्किंग स्ट्रिप हम स्मॉल ले लेते हैं। इस तरीके से आपने रोड पे स्ट्रिप्स देखे होंगे, 4 इंच के जो बैंड चलते हैं वो हम लगा सकते हैं यहाँ पर। अनदर साइड भी आप कॉपी करके या मिरर करके लगा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर डिवाइडर बनाएंगे प्रॉपर। ओके किया मैंने इतना पोर्शन और ये हमारा रोड नेटवर्क आ गया। आप 3D में जाके देखेंगे तो आपको दो सरफेस अलग दिखेंगे, ये मेरा रोड के लिए आ गया और ये मेरा प्लेन आ गया। अब जो प्लेन आया है उसी के अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर व्हाइट स्ट्रिप दिखाता हूँ सब रीजन की हेल्प से ही, और साइड में जो बाकी रोड हमारा बचेगा वो हमें कॉन्क्रीट या बिटुमिन में दिखाना है, तो वो हम रखेंगे सब रीजन से। मैंने पहले इसका एक अलग पार्ट किया जिसका हम मटेरियल अलग रखेंगे, 1, 2, 3 तीनों को हम कॉपी कर लेते हैं, देन ओके। यहां से यहां तक कॉपी किया, ठीक है। अब इसका मटेरियल अब क्या रखना चाहते हैं, यहां से मैं रखना चाहता हूं व्हाइट लेयर हमें दिखे या फिर येलो स्ट्रिप। ओके, तो ये हमारा व्हाइट दिखेगा प्रॉपर, 3D में आप देख सकते हैं, बाकी में ब्लैक दिखेगा। तो ये व्हाइट स्ट्रिप आ गई। अब ज्यादा बनाना चाहते हैं आप प्रॉपर उसमें मेंशन कर सकते हैं। अब इतना पोर्शन होने के बाद ये एरिया मुझे स्प्लिट करके और यहाँ पर क्या दिखाना है, मेरा जो मॉल आ रहा है उसका एरिया है ये मेरा, तो मॉल के साथ में मुझे यहाँ पर एक रोड का इस तरीके से एक्सेस दिखाना है। तो सब रीजन लीजिए आप साइट पे ही सब रीजन, यहां से भी आप वही चीज दिखा सकते हैं प्रॉपर। स्ट्रेट लाइन, देन सेलेक्ट मिरर, ठीक है, इस तरीके से हमने पॉइंट दिखा दिया। यहां पर सेम पोर्शन हमारा आ रहा है, अगेन कॉपी, ठीक है, और इस एरिया को मैं कर देता हूं क्लोज ताकि रोड के अंदर वो कवरिंग दिखे हमें प्रॉपर। ट्रिम कर दीजिए आप इसे, ट्रिम कर दीजिए एंड देन ओके। आप देखेंगे ये रोड आपके इस तरीके से दिखेगा आपके रोड के साथ में। अब इस रोड नेटवर्क को भी आपको क्या दिखाना है, नॉर्मली जो हमारा मटेरियल था वही हमें दिखाना है जो रोड का मटेरियल है। ओके एंड देन ओके, आप देखेंगे ये बिल्कुल सेम इस तरीके से दिख जाएगा। जो इंटरनल ये पार्ट बच गया, ये हम पार्किंग पार्क बनाएंगे यहाँ पर। तो कैसे बनाएंगे अब देखिए, इतना पोर्शन होने के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा ये पोर्शन आ रहा है पेवमेंट हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर, जितना हमारा मॉल की पार्किंग आ रही है या कॉम्प्लेक्स की पार्किंग आ रही है उस एरिया में। तो ये आप सब रीजन से भी कर सकते हैं या फिर टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये मैं फ्लोर से कर देता हूँ। फ्लोर मुझे कहाँ चाहिए, एडिट डुप्लीकेट, यहाँ से 150 mm का सिंपली ग्रे स्लैब चाहिए जो टाइलिंग हम लगाएंगे यहाँ पे। ओके फ्लोर, फ्लोर आपको लेना है यहाँ से, और आप कहाँ पर प्लिंथ प्रोटेक्शन के साथ साथ पूरा पेमेंट दिखाना है इस एरिया में, अलाइन इस स्पेस से, देन कंप्लीट आपको दिखाना है यहाँ से, ये मेरा पूरा सरफेस रहे, ठीक है। इस तरीके से आपका ये सरफेस आ जाएगा। अब इसे कितना आप रखना है आपको, 2 इंच से मैं आप कर देता हूँ, तो ये प्रॉपर आपको दिखेगा इम्पैक्टफुल। और आपको कम ज्यादा करना है इसे कि हमारा पेमेंट यहां तक आए सिर्फ, तो आप वो भी कर सकते हैं चेक, ठीक है। तो ये आपका सॉलिड सरफेस होगा। पार्किंग आपको कहाँ दिखानी है, मुझे इस एरिया में पार्किंग दिखानी है, और यहां पर मुझे स्ट्रीट लाइट और वॉल्स की हेल्प से डिवाइडर्स बनाने हैं, तो डिवाइडर का काम करते हैं। अब यहां से हम ग्राउंड फ्लोर लेवल पे जाते हैं, और यहां पर देखिए हमें साइट नहीं दिख रहा और प्रॉपर रीजन से बाहर भी हमें नहीं देखना है। तो हम क्या करते हैं, वीजी प्रेस करते हैं, वीजी में जाके आप टोपोग्राफी पे जाइए, टोपोग्राफी आपका ऑफ है, इसे कर दीजिए ऑन एंड देन ओके। आपका कंप्लीट टोपोग्राफी इस तरीके से दिखने लगेगा। आपको कंट्यूरिंग पॉइंट देखने हैं वो भी आप देख सकते हैं, मासिंग लेबल कंट्यूर एंड देन क्लिक, तो आपको ये कंट्यूरिंग पॉइंट भी दिखाएगा जो अभी हमने देखे थे कुछ टाइम पहले।
अब यहाँ पर हमारा रेडी हो गया। अब मुझे क्या करना है, ब्रिक वॉल की हेल्प से डिवाइडर जनरेट करने हैं, देन यहाँ पर एक सर्कल बनाना है। तो देखिए जनसंघ बनाना है कैसे, वॉल आप ले लीजिए, यहाँ पे हमारा 230 mm का वॉल आएगा, या फिर RCC में आपको रखना है RCC रख सकते हो। ग्राउंड लेवल से, और मुझे कहाँ तक का वॉल चाहिए, मुझे चाहिए मेरा अनकनेक्टेड टू 2 feet, सिर्फ 600 mm का वॉल मुझे चाहिए। ओके, और यहाँ से यहाँ तक मैं बना देता हूँ वॉल प्रॉपर, कि ये मेरा डिवाइडर रहेगा, ठीक है, जिसके अंदर हम प्लांटिंग करेंगे। और यहां से यहां मेजर कर लीजिए आपका गैप कितना बचता है, एनोटेशन की हेल्प से लाइन ले लीजिए एक, यहां से यहां तक हमारे पास 3 meter है ऑलमोस्ट। तो सिंगल लाइन के साथ हमारा ये पोर्शन आ जाएगा, सिंगल रोड ये है, सिंगल रोड ये है यहां पर। इसके बाद सेम वॉल्स मुझे कहां चाहिए, इस तरफ भी मुझे वॉल्स चाहिए, सिंपली सेंट्रली आप मेजर करके प्रॉपर लगाएंगे इन चीजों को, और सेम ऐसे ही मुझे इस तरफ चाहिए, सेम ऐसे ही मुझे इसके बाद स्ट्रेट चाहिए। ठीक है, CS यहां से यहां तक, इससे आगे हमें दिखाना नहीं है, इन्फिनिटी तक हम नहीं रखेंगे। तो ये मेरा डिवाइडर हो गया इस तरफ का, ठीक है, ये हमने पोर्शन किया। अब सेंटर के अंदर मेरा वॉल की हेल्प से ही मुझे सर्कल चाहिए एक, ताकि यहां से हम टर्न कर सकें प्रॉपर। सेम यही सर्कल मुझे दूसरी साइड भी चाहिए, ठीक है, इसे हम मूव करके यहां ले आते हैं, ताकि यहां से रोटेशन भी हो सके प्रॉपर। इतना होने के बाद हम 3D में देखते हैं इस पोर्शन को, तो कुछ ऐसा हमारा ये दिखेगा, ठीक है। 2 feet का हमारा ये पोर्शन आ रहा है, जो भी कलर आपको रखना है वो आप रख सकते हैं इसका। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट साइट में हमने टोपोग्राफी बनाया, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले पार्किंग का कुछ एरिया बनाते हैं। तो मासिंग साइट पे जाते हैं, पार्किंग कंपोनेंट में आप लोड कीजिए, और यहाँ से आपको मिल जाएंगे पार्किंग के अलग अलग शेप्स। तो आपको कैसा पार्किंग का शेड चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं, ये चाहिए मुझे स्पेस। ओके, हमारी कार कहाँ पार्क होगी, एक पार्किंग का मेरा यहाँ हो गया, कि यहाँ पे पार्किंग हम करेंगे 2, 3, तीन कार मेरा इस तरफ होगा, और इस तरफ क्या होगा मेरा, यहां पर होगा एंगल पे, सेलेक्ट रोटेट, इस तरीके से कुछ पार्किंग है, 2, ठीक है, कुछ पार्किंग मेरी इस तरीके से है। तो ये हमारी एंगल पे होगी, हमारी कार जो भी आएगी वो इस तरीके से टर्न लेगी और प्रॉपर टर्न कर जाएगी। यहां पर हमें क्या करना है, प्लांटिंग करना है। प्लांटिंग कैसे करेंगे, यहां पर देखिए नेक्स्ट हमारा पार्किंग कंपोनेंट में साइट कंपोनेंट एक और ऑप्शन है, साइट कंपोनेंट में हमारे पास यहां पर प्लांट्स मिलेंगे हमें। आप एंडस्केप यूज करें तो एंडस्केप के प्लांट, अदरवाइज एडिट टाइप में जाएंगे लॉर्ड, और यहां से आपको प्लांटिंग भी मिल जाएगा, प्लांटिंग आपके ये हर तरह के प्लांट आपको मिल जाएंगे। आपको हैवी प्लांट्स लगाने हैं, हैवी लगा सकते हो आप यहां पर, ठीक है, इस एरिया में हमने ये प्लांट्स लगा दिए। देन सेम प्लांट्स हमें कहाँ चाहिए, दूसरी तरफ चाहिए, तो वहां भी आप लगा सकते हैं, या इसमें अलग तरह के प्लांट्स आप लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं सिंगल एक प्लांट लगाता हूँ, बाकी हम अलग तरह के प्लांट लगाएंगे। सेम ऐसे ही साइट रोड साइड्स पे भी आपके प्लांट्स आ रहे हैं, या रोड साइड पे आपकी साइट्स आ रही है, अलग अलग बिल्डिंगें आ रही हैं, वो भी आप दिखा सकते हैं। तो अभी साइट कंपोनेंट पे ही हम और प्लांट्स लगाते हैं यहाँ से, तो कुछ प्लांट्स मेरे यहां से हो गए, एडिट लॉर्ड, ये हमारे स्मॉल प्लांट्स है, ठीक है। यहां हमने किया एक प्लांट मैंने इस तरफ लगाया, ओके, सेकंड प्लांट को मैंने कॉपी किया, और इन दोनों को कॉपी करके यहां से कर दिया एरे। एरे करने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेरा ये लास्ट पॉइंट रहे, एरे कर रहे हैं हम, और इसके बीच में कितने प्लांट्स आने चाहिए वो डिफाइन कर देते हैं हम। नंबर ऑफ प्लांट यहाँ पे मेरे आ जाए 100, ओके, तो 100 प्लांट्स आ जाएंगे आपके इसके बीच में। फाइल का साइज हैवी हो जाता है जब आप प्लांट्स यूज करते हैं, तो आप शेडेड में वर्क करेंगे तभी बेटर रहेगा, हो गया। सेम ऐसे ही हम अनदर साइड प्लांट्स लगाते हैं, इस तरफ हमें प्लांट्स लगाने, फिर से अलग तरह के प्लांट्स ले लेते हैं, ओके, कॉम्पोनेंट्स, यहाँ हमें और प्लांट्स चाहिए मेरे, ठीक है, 1, सिंपली आप प्लांट्स लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका साइट कंपोनेंट्स में जो आता है पोर्शन, वो
सेम अनदर इस पार्ट में भी हमारे अलग प्लांट्स आ रहे हैं। एज पर योर रिक्वायरमेंट जितना चाहें आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं प्लांट्स का। सेम ऐसे ही इस डिवाइडर पे भी हमें प्लांट्स चाहिए। तो हर एक कॉन्सेप्ट को आपको ट्राई करके देखना है और इसको मॉडिफाई करना है। जितना आप साइट में सीखना चाहते हैं उतना आप कर सकते हैं, ठीक है। अब साइट कंपोनेंट में ही हमारे यहाँ पर क्या करते हैं, हम कुछ हैंडस्केप के कंपोनेंट्स लेते हैं और इन्हीं प्लांट्स को लेते हैं। पहले हमें साइट के अंदर ही ये प्लांट्स चाहिए चारों तरफ, ठीक है। आपको कंपोनेंट्स में कार्स चाहिए तो कार आप ले सकते हैं, यहाँ से जाइए आप हैंडस्केप पे, या रेविट के भी कार हमारे पास अवेलेबल है तो वो भी आप ले सकते हैं। एसेट लाइब्रेरी, यहाँ से आप कोई भी प्लांट्स लीजिए। स्ट्रीट प्रॉपर्टीज आपको चाहिए, प्लांट्स चाहिए तो आप ले सकते हैं। आपको बिल्डिंग्स शो करनी है, बिल्डिंग्स आप ले सकते हैं। जैसे आपको हाई रेज बिल्डिंग दिखाना है, आपका सेम जो कॉम्प्लेक्स हमने बनाया उसी के साइड में एक और बिल्डिंग आए तो वो सब आप दिखा सकते हैं। यहाँ से इस तरफ मेरा एक बिल्डिंग आ रहा है स्ट्रेट, सेम ऐसे ही इस तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अनदर बिल्डिंग एक हमारा इस तरफ आ रहा है, अनदर और कोई बिल्डिंग आपको चाहिए, यहाँ पर कुछ और बिल्डिंग्स हैं ये हम ले लेते हैं। सभी का एंट्री आप एग्जिट दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर बनाया तो एक बिल्डिंग मेरा यहाँ पर है, सेम इसी तरह का कुछ बिल्डिंग मेरा यहाँ आ रहा है। तो कुछ मैंने साइड्स के ऑब्जेक्ट्स ले लिए। देन एक स्मॉल हाउस है हमारी बिल्डिंग के जस्ट साथ में तो वो हम शो कर देते हैं यहाँ पर। Then next, ठीक है। सो इस तरीके से हमने रोड नेटवर्क दिखा दिया। अब इनके साइडों में भी आपको रोड दिखाना है तो आप सब रीजन के अंदर एडिट बाउंड्री भी कर सकते हैं। यहां से आपको और रोड दिखाने हैं जो आपका यहां तक जा रहा है तो वो सब भी आप एडिट कर सकते हैं। यहां तक आपका कोई भी रोड नेटवर्क है वो आप शो कर पाएंगे। यहां से आपको स्प्लिट करना होगा इसे ट्रिम, ठीक है, एंड देन चेक। तो ये आपका रोड और हो गया। एक आपको फिलेट करना है, थोड़ा स्मूथ कर्व दिखाना है, वो स्मूथ कर्व भी आप दिखा सकते हैं यहां से चेक, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप रोड नेटवर्क दिखाएंगे। साथ ही में आपको क्या करना है, अब हमें लाइटिंग इफेक्ट दिखाना है तो स्ट्रीट पोल्स जो है आपके कॉम्पोनेंट्स लीजिए। यहां से कॉम्पोनेंट एडिट टाइप लॉर्ड, यहाँ पे हमें लाइटिंग के कंपोनेंट्स चाहिए, लाइटिंग आर्किटेक्चर एक्सटर्नल। तो ये स्ट्रीट लाइट्स है हमारे पास ओपन, ओके, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया, मेरा यहां पर लाइट आ रहा है, फिर सेम स्पेस के साथ आप रोटेशन चेंज कर सकते हैं, यहां पर आपका आ रहा है। सेम अनदर साइड भी आपको लाइट्स चाहिए तो आप तीनों को सेलेक्ट करके भी मिरर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी लाइट्स हो जाएगी। सेम ऐसी ही लाइट है आपको हर जगह चाहिए, आपके यहां पर भी चाहिए। वन टू सेलेक्ट ओके मिरर, ठीक है, जो आपका रोड का बिल्कुल कवर करके रखेगा, पूरा ग्लोइंग रखेगा पोर्शन। वन सेम को मैं क्या करता हूं यहां से एरे, देन लास्ट नंबर मेरा ये है, यहां से ये मेरा लास्ट है और इसके बीच में मुझे यहां चाहिए 10 पोल, टेन नंबर ऑफ स्ट्रीट लाइट्स चाहिए मुझे। सभी को सिलेक्ट कीजिए, मिरर कर दीजिए आप यहां पर, तो ये दूसरी साइड भी आपकी आ जाएगी लाइट्स। सेम ऐसे ही लाइट्स आपको और जगह चाहिए तो आपको टाइम देकर इसे पूरा बनाना पड़ेगा। सीएस किया हमने यहां पर, इस तरफ भी हमारी लाइट्स आ रही है। सेम ऐसे ही यहाँ पर है हमारी लाइटें, जिस एंगल पे आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, प्रॉपर आपको वर्क करना पड़ेगा उसमें। सेलेक्ट ओके मिरर, तो ये मेरा लाइटिंग का भी कॉन्सेप्ट हो गया। तो मासिंग के अंदर हम वर्क भी करते जा रहे हैं, प्रोजेक्ट के साथ भी चल रहा है। टोपोग्राफी हो गया, साइट कॉम्पोनेंट हो गया, पार्किंग हो गया। अब यहां पर हमारा एक बिल्डिंग आ रहा है जिसके लिए हमें सरफेस को पहले इक्वल करना है, तो हम लगाते हैं बिल्डिंग पैड। बिल्डिंग पैड एक फ्लोर की तरह वर्क करता है, जहां पर आप ये बिल्डिंग पैड लगाएंगे वो एरिया बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। आप 3D में जाके देखिए,
जो आपका एरिया है बिल्डिंग पैड जहां हमने लगाया वो बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। अगर हैवी मॉडल है आपका तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर शेडेड कर लीजिए ताकि मॉडल में कोई इश्यू ना आए। तो ये हमारा देखिए सरफेस बिल्कुल इक्वल हो गया। अब यहाँ पर भी आप कोई भी एक बिल्डिंग प्लेस कर सकते हैं, वर्केबल बना सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास सरफेस ऐसा है जो कि आपका फ्लैट वहां पर आ सकता है। तो ये होता है बिल्डिंग पैड का रोल। अब बिल्डिंग पैड की हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं किस हाइट पे आपको रखना है। आप देखिए आपका कंप्लीट एक रोड नेटवर्क रेडी है, आपका पोर्शन रेडी है, लाइटिंग रेडी है, पार्किंग का एरिया रेडी है। अब आपको व्हीकल्स दिखाने हैं, तो आप व्हीकल्स किस तरीके से दिखाएंगे, देखिए व्हीकल्स दिखाने के लिए वही सेम एनस्केप में कंपोनेंट्स ले सकते हैं या फिर आप रेविट कंपोनेंट्स भी ले सकते हैं। एनस्केप में हमारे पास वेराइटीज़ है तो हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, एसेट लाइब्रेरी हमने लिया। देन आप यहाँ पे व्हीकल्स पे जाइए, आपको कार्स चाहिए कार लीजिए, एक कार यहाँ पर है ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, अनदर कोई कार आ रही है हमारे पास, ठीक है। एंगल पे आपको कभी रोटेट करवाना पड़े तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं उसे रोटेट। अब इस एरिया में भी मुझे क्या करना है, जो हमने वॉल्स की हेल्प से यहां पर कर्व बनाई है, यहां पर भी मुझे पार्क चाहिए। तो यहां पर मैं बनाता हूं एक पार्क मेरा, यहां से स्ट्रेट, आपको एंगल पे चाहिए एंगल पे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सी एस वॉल को ही सी एस किया, यहां से यहां तक मुझे कर्व में चाहिए, ठीक है। देन सेम मिरर, ये हमारा इस तरफ आ गया और इसे कर दीजिए आप कर्व। अब प्लांट्स आपको यहां भी लगाने हैं तो अनग्रुप सी एस और प्लांट्स आप जितना चाहें प्लांट्स आप यहां लगा सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपको लार्ज प्लांट्स लगाने हैं लार्जर लगा सकते हैं, स्मॉल लगाने हैं स्मॉल लगा सकते हैं, आपको और प्लांट्स लेने हैं एंडस्केप एसेट लाइब्रेरी वेजिटेशन पे जाना है। देन आपको किस तरह के प्लांट्स चाहिए वो सब आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। ये प्लांट्स चाहिए हमें यहाँ 1, 2, 3 ठीक है, ये प्लांट्स हमने यहाँ लगा दिए। रोड साइड्स पे भी आपको यहाँ पर प्लांट्स दिखाने हैं, यहाँ से हमारा पार्किंग का एरिया तो हम अलग तरह के प्लांट्स ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने प्लांटिंग कर दी और यहाँ के कुछ प्लांट्स रिमूव कर देते हैं ताकि पार्किंग में इश्यू ना आए। तो इस तरीके से आप ये वर्क कर सकते हैं। आपको पीपल्स दिखाने हैं कि वो किस तरीके से कर रहे हैं पीपल्स, वो सब दिखाना है आपको, वो भी दिखा सकते हैं आप। तो ये सब हो गया हमारा कॉम्पोनेंट्स का कॉन्सेप्ट कि कॉम्पोनेंट कैसे प्लेस करते हैं, साइट कॉम्पोनेंट आपको साइट बनाना कैसे है। इसके बाद आता है हमारा जब भी कोई पर्सन, हमारे पास सभी साइट बिजी है बट एक साइट हमारी बीच में ऐसी है जो कि साइट हमारी अनदर पर्सन की है, तो वो प्रॉपर्टी लाइन हम शो करेंगे कि हमारा यहाँ पर एक प्लॉट है जो किसी अनदर पर्सन का है यहाँ पर। तो वो स्केच के थ्रू आप दिखा सकते हैं और प्रॉपर्टी लाइन के थ्रू आप उसका स्केड्यूलिंग निकाल सकते हैं। आपको टैगिंग करना है इसमें, वो टैगिंग भी आप कर सकते हैं, एनोटेशन देन टैग आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे प्रॉपर्टी लाइन का टैग दिखाता है। जिस भी ओनर के नाम से आपको ये करना है आप प्रॉपर्टी लाइन का टैग ले सकते हैं प्रॉपर। एनोटेशन में जाना है हमें, ठीक है। सिविल में आप जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको प्रॉपर्टी लाइन, ठीक है। प्रॉपर्टी लाइन टैग ओके किया आपने, यहाँ पर आप जो भी टैग करेंगे वो आपका प्रॉपर्टी लाइन का आ जाएगा कि यहाँ पर आपका प्रॉपर्टी लाइन है, ये लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड है आपका 25 मीटर स्क्वायर का है, ये आपका पोर्शन है। अब इसी चीज़ को हम देखते हैं यहाँ पर हमें क्या करना है। ये हमारा कंट्यूरिंग हो गया, मासिंग एंड साइड के अंदर सभी को यूज़ किया हमने। ये जो हमारा बैक साइड का एरिया वो पूरा ग्रीनरी है, इस साइड का हमारा अलग एरिया है। तो ग्रीनरी जो एरिया है हमारा उसे हम करते हैं स्प्लिट। स्प्लिट सरफेस के लिए आपको साइट को सिलेक्ट करना है एंड देन स्प्लिट कर देना है इस तरीके से ताकि हम बता पाएं कि ये जो हमारा बैक साइड का एरिया वो कंप्लीटली ग्रीन एरिया है। तो यहां से आप लीजिए ग्रास, ये ग्रास मटेरियल है हमारे पास, ओके। इसके टेक्सचर में चेंज करना है वो आप कर सकते हैं, एडिट अपीयरेंस इमेज में आप चेंज करना चाहें इजिली कर सकते हैं।
ये हमारा इमेज में चेंज हो जाएगा, अप्लाई ओके। ये आपका इस तरीके से 3D में आप जैसे ही देखेंगे आपको दिखेगा कि वो पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है। मैं इसको रियलिस्टिक कर रहा हूँ एक टाइम के लिए, वो क्लियर विजिबल रहेगा कि वो पार्ट आपका ग्रीन है, ये पार्ट आपका सॉयल है। तो ये आपका ग्रीन पार्ट हो गया प्रॉपर, ये आपका सॉयल पार्ट है। तो इस तरीके से आप फर्क कर सकते हैं, साइट डिज़ाइन कर सकते हैं, पूरा सिटी डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को आप अगर मर्ज करना चाहते हैं तो मर्ज सरफेस में जाके यूज कर सकते हैं। जैसे ही मर्ज करेंगे आपका पोर्शन हो जाएगा सिलेक्ट वन सिलेक्ट टू, तो ये पूरा मर्ज हो जाएगा आपका सरफेस। इसे आप कर सकते हैं प्रॉपर मर्ज, ठीक है। मैं अंडू कर रहा हूँ अभी के लिए क्योंकि मुझे यही सरफेस चाहिए और ये आपका बिल्डिंग है प्रॉपर। अब हम इसका रेंडरिंग करके देखते हैं कि कैसे आपको ये दिखेगा, क्योंकि हमने सभी टूल्स को यूज़ किया, सरफेस को अप डाउन करके देखा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, रेंडरिंग करते हैं एंडस्केप का कि ये इम्पैक्ट कैसा आएगा हमारी बिल्डिंगों का, कैसा हमारा साइट बना उसे देखते हैं हम। यहाँ से एंडस्केप पे आपको जाना है, स्टार्ट करना है रेंडर, ये कुछ टाइम लेगा और आपका रेंडरिंग निकाल के आपको देगा। प्रॉपर वॉक थ्रू हम देखेंगे कि कैसे आप स्ट्रीट के अंदर वॉक करके देख सकते हैं। सो गाइज, ये हमारा रेंडरिंग होकर आया। अब हम अर्थ सरफेस पे चलते हैं, हमारे ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ से हम वॉक मोड ऑन करके देखते हैं कि हमारे बिल्डिंग किस तरीके से बना है। वहाँ पर अब जैसे ही आप जाएंगे आपको दिखेगा अपीयरेंस कि आपके हर एक फिक्चर्स काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप वेजिटेशन देखेंगे, आपका मूव कर रहा है वेजिटेशन एयर की इंटेंसिटी के साथ। सेम वैसे ही आप कार के पास जाते हैं तो आपको रियलिस्टिक इम्पैक्ट आता है। इस तरीके से आप वॉक करके देख सकते हैं आपकी बिल्डिंगों के साथ। जो सर्कल्स आपने बनाए वो सर्कल्स दिख रहे हैं, कार आपने प्लेस की वो सब कार्स दिख रही है। आपका कंप्लीट साइट कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप अगर वॉक करके भी देखना चाहें यहाँ पे वॉक करके प्रॉपर देख सकते हैं। जो हमने व्हाइट स्ट्रिप बनाया था वो व्हाइट स्ट्रिप है, जो प्लांट्स हमने लगाए थे वो हर एक आइटम हमने यहाँ पर किया। अगर इस प्रोजेक्ट पे आपने 30 मिनट्स दिए तो आपका ये इम्पैक्ट आया, अगर आप इसी प्रोजेक्ट पे 2 आवर्स 3 आवर्स देते हैं तो और अच्छा इम्पैक्ट आएगा। जो बिल्डिंग हमारा था, कॉम्प्लेक्स जो हमारा था, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप अप साइड जाना चाहते हैं, आप ई प्रेस करके अप जा सकते हैं, क्यू प्रेस करके डाउन, और इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। सो ये इम्पैक्ट आपका आएगा। बिल्डिंग के पास आपको जाना है, आपको डे नाइट इफेक्ट्स देखने हैं, तो सब आप देख सकते हैं कंप्लीट। पूरा स्ट्रीट हमने डिजाइन किया इस तरीके से, तो ये आप पूरा साइट बना सकते हैं, कंप्लीट साइट बना सकते हैं। इम्पैक्टफुल आपको वर्क करना है तो आपको टाइम देना होगा। सो यहाँ पर हमने साइट का कंप्लीट टूल देखा, आप इसे शेडेड कर लीजिए और आप बिल्डिंग देख सकते हैं। रैबिट के अंदर जो इम्पैक्ट चेंज करेंगे वो एंडस्केप में भी रेप्लीकेट हो जाते हैं। अब यहाँ से हम देख सकते हैं हमने जो काम किया यहाँ पर, साइट अलग किया, प्लांटिंग किया, जो भी मासिंग एंड साइट के अंदर यूज होता है वो सभी टूल्स को हमने यहाँ पर यूज किया। अगर आप अलग से भी टोपोग्राफी बनाना चाहते हैं तो आप टोपोग्राफी बना सकते हैं यहाँ पर। टोपोग्राफी आपको हिल बनाना है, जैसे आप 0-0 पे वर्क कर रहे हैं, ये पोर्शन 0-0 का है, इससे ऊपर आपको जाना है, 10 फीट आपको अबव जाना है। तो आप जैसे क्लिक करेंगे ये हाइट पे जा रहा है, फिर उसके बाद 20 फीट जाना है आपको अबव, 20 फीट आप अबव जा सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से 10 फीट पे आना है, 10 फीट, देन फिर आपको 5 फीट पे आना है, 5 फीट एंड देन 0 फीट। तो ये आप टोपोग्राफी इस तरीके से इजिली बना सकते हैं। चेक किया मैंने, अब देखेंगे आपका जो सरफेस है वो इसी तरीके से बना है जो हमने बनाया है अभी। कहीं पे अप मिलेगा, कहीं पे आपको डाउन मिलेगा, कंट्यूर आपके इस तरीके से आ जाएंगे। अगर आप इसको राइट करके देखते तो आपको दिख जाएगा रिफ्लेक्शन, यहां से आपका अप है, फिर आपका फिर से यहां पर डाउन आ गया। तो ऐसे आप ये देख सकते हैं। इसका व्यू आप प्रॉपर सेक्शन कट करके भी देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या एलिवेशन आया। जब आप सेक्शन कट करते हैं तो आपको इम्पैक्ट ऐसे दिखता है, ये जो आपका हैचिंग आ रहा है काफ़ी डाउन तक आ रहा है। मुझे अभी क्या करना है, जो हमने बनाया उसी का सेक्शन कट करना है। तो व्यू टैब पे जाइए, यहाँ से सेक्शन एंड देन कट कर दीजिए ये सेक्शन, ठीक है, सेलेक्ट गो टू व्यू। ये हमारा सेक्शन है, अप डाउन आपको दिख जाएगा कितना अप है, यहाँ पर पीक है, फिर डाउन आ गया। अब ये जो आपका हैच आ रहा है, ये जो हैच आ रहा है वो कितना आना चाहिए, वो हम साइड सेटिंग पे चलते हैं। यहाँ पर ये होता है हमारा साइड सेटिंग, यहाँ से मुझे कितना दिखना चाहिए, -2 मीटर। तो आप जैसे क्लिक करेंगे 2 मीटर दिखने लगेगा, अप्लाई, आपका डाउन हो गया। यहाँ से हमने किया -500, तो आपका और डाउन हो जाएगा। ये हैच जो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ,
आप चाहते हैं हैच इसके अलावा कोई और आए तो यहाँ से आप जाएंगे मटेरियल में, जो भी हैच अवेलेबल है वो आपका हैच यहाँ पर आ जाएगा। खुद से कोई हैच बनाना चाहते हैं वो सब भी बना सकते हैं यहाँ पर। क्रिएट न्यू, ओके, यहाँ से मैंने बनाया हैच, यहाँ से आप करिए इसको कट सरफेस और ये मुझे हैच दिखे वहां पर, तो ये हैच आपको दिखने लगेगा। हैचिंग की भी आप सेटिंग कर सकते हैं सेम इसी तरीके से। आपका ग्रेडेड रीजन होता है, ग्रेडेड रीजन किस लिए काम आता है, जब आपको कटिंग फिलिंग निकालना हो सरफेस में, कहीं अप है कहीं डाउन है और आपको लेवल करके सॉइल का कटिंग फिलिंग निकालना है, तो वो आप यहाँ ग्रेडेड रीजन की हेल्प से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ग्रेडेड रीजन की हेल्प से कटिंग फिलिंग रेविट के अंदर कैलकुलेट करना, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसी पर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। सो ये था आज का हमारा साइट कंपोजिशन का पूरा वीडियो, जो कि डिटेल में था प्रॉपर कैसे आप साइट बना सकते हैं। सो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं किसी अनदर कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बनाना, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। सो इसी के साथ जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज योर ट्रेनर तरुण सैनी साइनिंग ऑफ।